गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक टिब्रेवाल आप लोगों के सामने पूरा एडवांस अकाउंट सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस, पेपर पैटर्न और अपनी बेच का आगे का प्रोसीजर पूरा डिस्कस करने के लिए अभी आया हूं। पूरा सीए एडवांस अकाउंट जो अपना है इंटरमीडिएट में, वो कितने नंबर का है सर, क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, पेपर कितने नंबर का होगा, कितने का करना रहेगा, हमारा सिलेबस कितने आवर्स में कंप्लीट होगा, कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, सर हमने दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो हमको क्या तैयारी करनी है, अगर हम पहला ग्रुप दे चुके हैं तो अभी हमको सेकंड ग्रुप में किस टाइप से तैयारी करनी है, एडवांस अकाउंट में हम कितने नंबर अचीव कर पाएंगे, ऐसे तमाम सुलगते हुए क्वेश्चन अपने दिमाग में आते हैं। दोस्तों, मैं अभी के इस लेक्चर में आप लोगों की वो सारी क्वेश्चनरीज पूरी सॉल्व करूंगा कि कितने पीरियड में अपना ये कोर्स कंप्लीट होगा, अपने को कैसे अटेम करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, ऐसे तमाम बातें रहती है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, एज यू ऑल नो दैट 100 मार्क्स का। सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है सर? बिल्कुल, लेटेस्ट अपडेट चीजें बताऊंगा, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। 100 नंबर का पेपर, सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर, एडवांस अकाउंट कंबाइंड देते हैं तो अपन पांचवें नंबर की बात करेंगे, पर सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो पहला पेपर रहता है। और न्यू सिक्वेंशियली अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला लो तो फर्स्ट ग्रुप के चार पेपर के बाद पांचवा पेपर ये होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भरमार है। सेकेंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेवल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके थोड़े से ज्यादा है। दोस्तों, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्डों को अपने को थोड़ा लेवल बढ़ा के बातचीत करनी रही, मैं भी बात करूंगा टोटल पेपर कितने नंबर का है, क्या है। दोस्तों, ऐसी तमाम तरह की बातचीत आपके साथ में रहेगी यहाँ पे। चलें दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। बजाय इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें करने की, बजाय इधर उधर की अपन घुमा फिरा के बातें करें, डायरेक्ट कम ऑन द पॉइंट, डायरेक्ट अपने पेपर पैटर्न पे आएं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आपका टाइम बड़ा कीमती है। मैं समझ सकता हूं फालतू इधर उधर की अपन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अप टू द मार्क बातों पे आना पसंद करेंगे। दोस्तों, एडवांस अकाउंट का जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। दोस्तों, पेपर जो आता है वो 120 मार्क्स का आता है, एज यू ऑल नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप वही पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसको अपन बात करें तो 6 आते हैं। इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको कंपल्सरी होता है, 20 मार्क्स का रहता है दोस्तों। एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 to 6, मतलब पांच क्वेश्चनों में से कोई भी any 4 करने रहते हैं, any 4। तो ये रहेंगे दोस्तों 20 into 4, 80 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन जिसको बोले बिटवीन टू टू सिक्स में अगर अपन बात करें, 2 से लेकर 6 तक में से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। रिमेंबर, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, छोड़ना हो तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा, इधर 3, 4, 5, 6 सेकेंड कुछ भी, बट आप सोचो कि सेकेंड का ए पार्ट छोड़ दूं, थर्ड का बी पार्ट छोड़ दूं, 10 नंबर का नहीं छोड़ सकते। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी छोड़ना, बी भी छोड़ना, या 2 का ए छोड़ना, बी का छोड़ना। इंस्टीट्यूट कितनी चतुर होती है यह आप सच और कोई नहीं समझ सकता, कि वो हर क्वेश्चन का जो पार्टीशन बनाती है, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ए बी करके उसमें से एक इजी एक टफ देते हैं। अपने को सेकेंड का ए आता है, थर्ड का बी आता है, अपना दिल कहता है मैं सेकेंड का बी छोड़ दूं और थर्ड का ए छोड़ दूं, नहीं, या तो सेकेंड का ए भी पूरा छोड़ना है, थर्ड का ए भी पूरा छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से लेकर 6 तक कोई भी 5 क्वेश्चनों में से 4 करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, इंटरनल बाइफर्केशन अपने आप में अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मेरे दोस्तों, एज यू ऑल नो दैट, जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली ऐसा चलता है 5, 5, 5 और 5। आपको मालूम है दोस्तों, जनरली ये 20 नंबर का 5, 5 के आते हैं, कभी कुछ चेंज कर सकते हैं, 10, 5, 5 भी कर सकते हैं, कभी और भी चेंज कर सकते हैं, बट जनरली इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इन्वॉल्वमेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से वो अपनी
व्यू बना लेते हैं कि कभी 20 का एक डायरेक्ट दे दिया, कभी 15 का, कभी 5 का, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जनरली वो लोग एक बड़ा क्वेश्चन देना चाहते हैं, जनरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखते से ही बच्चा डर जाए और एकदम से उसको लगे कि और 20 नंबर और 20 नंबर में वो आपको उलझा दे। आपकी समझदारी, आपको कौन सा क्वेश्चन पहले आता, अगर 20 नंबर वाला भी आता आपका करा हुआ है तो आप पहले कर सकते हो। और मेरी गारंटी कि जब मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहीं भी टेंशन नहीं देगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में तमाम मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन 100% मॉड्यूल कवरेज, 100% आरटीपी कवरेज, 100% आपके पेपर के स्कैनर कवरेज, ये पूरे लिए हुए हैं दोस्तों। किताबों के क्वेश्चन लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया है, मॉडरेट लिया, अपर लेवल लिया है, बहुत ज्यादा खींचातानी भी नहीं करी है, लेकिन एक भी चीजों को छोड़ा भी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों विश्वास मानिएगा कि आप जब इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, अगर हमने ये कर लिया तो इसके बाद अब हमारे पास कुछ भी चीज बाकी नहीं है, एंड वी विल श्योर कि हम लोग 90 नंबर की तरफ दौड़ लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव आपके एग्जाम में आते रहते हैं, मैं बताऊंगा कि किस टाइप से पेपर में पैटर्न रहता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंटों ने 90 प्लस नंबर लेकर आए, मतलब 1, 2, 10 नहीं 50 स्टूडेंट है जो एडवांस अकाउंट में 90 प्लस का स्कोर ऑलरेडी ला चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी 90 प्लस की तरफ ही दौड़ लगाओगे और इस पेपर में आप लोग अच्छा एक बेंचमार्क अपने नंबर लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों 10-10 के हो सकते हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15 और 5 का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कुछ भी चेंज हो सकते हैं दोस्तों, 12 और 8 का हो सकता है या 10 और 10 का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर 4, 4, 4, 4 और 4 ऐसा दे सकता है, या कभी और कोई कॉम्बिनेशन दे दे 5, 5, 5 कुछ भी कर सकता है दोस्तों। इन 2, 2, 6 में से आपको कोई भी एनी 4 करना है मेरे दोस्तों, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में से एक ऑप्शनल रहता है दोस्तों। टोटल पेपर आपका 120 नंबर का आएगा, जिसमें से करने रहेंगे 100 नंबर के दोस्तों। तो 120 मार्क्स के टोटल पेपर में से 100 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल दिया जाएगा, आप किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हो एज पर योर चॉइस। अब सर बात यह आती कि इसमें से न्यूमेरिकल कितने आएंगे आपके टोटल में से और आपके प्रैक्टिकल कितने आएंगे दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली एस की बात करूं, मैं एस की बात करूं तो इसकी मार्किंग रहती है दोस्तों, अगर मैं पूरी बात करूं तो 16 से लेके 28 नंबर तक, कभी 16, कभी 20, कभी 24, कभी 25, कभी 28। 16 से कम एस नहीं आएगा और 28-29 से ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब एस के ऊपर उनकी इच्छा चलती है कि कभी वो 3-4 क्वेश्चन दे, कभी वो कॉम्बिनेशन में 5-5, 4-4 ऐसे बना दें, कभी वो क्यों आपको बना सकते हैं 5-5 के 4, लॉट ऑफ चीजें दोस्तों जो वो लोग कर सकते हैं। तो ये एस की बात हुई दोस्तों, और ये बात हुई अपने लिए न्यूमेरिकल की दोस्तों। न्यूमेरिकल के लिए मैं बातचीत करूं तो आपको मान के चलो करीब 90 से लेके 95-98 नंबर के आसपास के न्यूमेरिकल रहेंगे, डिपेंड करता है ए इसके ऊपर और डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर। तो यहां पे बोलूं 90 से लेके 98 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आपके आएंगे। क्वेश्चनों की रेंज 10 नंबर की भी होगी, 8 नंबर की भी होगी, 12 की भी होगी, 15 की भी होगी, 20 की भी होगी, 5 की भी होगी, डिपेंड करता है कौन सा टॉपिक आता, डिपेंड करता किस पैटर्न का आता, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की वर्थ, उसकी लेंथ, उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है। हर चैप्टर में छोटा भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, डिपेंड कि वो क्वेश्चन आपका कितनी वर्थ रखता है, वो डिपेंड करता है कि दोस्तों वो आपका चैप्टर जो है वो आपका क्वेश्चन में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। चलें दोस्तों पेपर पैटर्न हम समझ चुके हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने रहेंगे, पहला कंपलसरी होगा, बाकी के 5 में से 4 करने रहेंगे, एवरी क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, पार्टीशन में क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो लेफ्ट करना पूरा लेफ्ट करना पड़ेगा, पार्टीशन में लेफ्ट नहीं कर सकते हो, हर क्वेश्चन में ए बी करके पार्ट आ सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, ऑल थिंग ये आपकी वेरिएशन में आ सकती है, बट एस कंपलसरी आएंगे। सेकेंड ग्रुप में एस का अपना एक महत्व है, अपना एक लेवल है, नंबर ऑफ एस भी इसमें ज्यादा है दोस्तों।
अब दोस्तों इसका जो शेड्यूल है, इसका जो कोर्स है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुका है। मैं पहले इसके हिसाब से बातचीत करूंगा और फिर मैं आपके लिए यहां पे अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा टॉपिक्स कवर्ड। यहां पे टॉपिक्स में सबसे पहली बात तो एज तो रहेंगे ही दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो उसने दिए हुए हैं, काफी एज दिए हुए, एज 4, एज 5, 7, 9, 14, 17, तमाम एज इसने अपने को यहां पे भर दिए हैं। तो सेकंड ग्रुप के एज है दोस्तों, ज्यादा है। अब दोस्तों हम एज पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम टॉपिकों पे बात कर लें। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट, दोस्तों यहां पे पहला टॉपिक जो चालू होता है, यहां पे अपने लिए जो सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो बातचीत जो अपने लिए चालू होती है दोस्त, वो होती सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दोस्तों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का चैप्टर ये बताता है, मैं आपको एक एक मिनट हर चैप्टर के बारे में भी बोलूंगा कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉयों को ये ऑफर देती है कि आप मेरे इतने सालों तक मिनिमम नौकरी करो, मैं आपको अपने शेयर जो मार्केट में जिस रेट से दे रहा हूं उससे सस्ते में दूंगा। जब कंपनी के एम्प्लॉय उतना टाइम पीरियड नौकरी कर लेते हैं और उन्हें हम शेयर सस्ते में अलॉट करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, उसको अकाउंट फॉर कैसे की जाए, ये अपने लिए इंपॉर्टेंस होता है, ये अपने लिए खास बात होती है। इसलिए अपन इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का चैप्टर कहते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट का भी एक गाइडेंस नोट भी है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। इसी के साथ अगर मैं बातचीत करूं आपको अगले चैप्टर की, तो यहां पे थर्ड में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप अपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करें। हालांकि इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी इन्वॉल्व होता है और इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बातें भी इसमें अपने को दी है। उसने एक लाइन बोली है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए और आपके इक्विटी शेयर्स भी आ गए। तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड में बातचीत करें तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों इसी में एक छोटा सा पार्ट और जुड़ गया है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ये आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, तो दोस्तों यहां पे अगर अपन बातचीत करेंगे दैट इज योर राइट, ये यहां पे इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, विथ डिफरेंशियल राइट, ये एक छोटा सा पार्ट और जुड़ा है। इन तीनों को हम एक ही कैटेगरी में लेते हैं। कंपनी अकाउंट की परिभाषा में बातचीत की जाती है, कंपनी से रिलेटेड यहां पे बातचीत है पूरा का पूरा, और इसका नाम दिया हुआ है अपने सिलेबस में स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट। इट इंक्लूड 3 चैप्टर, पहले अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। दोस्तों मैं आपकी बात करूं तो आज की तारीख में इस चैप्टर का अपने आप में इंपॉर्टेंस बन गया। इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मैं इसकी वर्थ बोलूं तो 10-15 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, दो क्वेश्चन आते हैं 10-5, ऐसा देखे 10-15 नंबर देगा। ये पहला पार्टीशन अपना हुआ दोस्तों। चूंकि अब इसमें सिलेबस में आपको बात बोलूं, ओरिजिनलिटी 3-4 चैप्टर हट चुके हैं, एक चैप्टर फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में आ गया है, तो थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग ऑफ द सिलेबस हो गया है। एज की नंबर ऑफ एज की क्वांटिटी बढ़ा दी है, कुछ टॉपिकों को यहां से रिमूव कर दिया है, तो कुछ इन्होंने रीशेड्यूलिंग करी है, उससे हर चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस बन चुका है। अगला अब जो बात करते हैं दोस्तों इसमें, वो आता है दोस्तों यहां पे अपने लिए अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। लेकिन दोस्तों इसमें अमलगमेशन में आपका इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं है, एक दूसरे का एक दूसरे में होल्डिंग नहीं है। हालांकि इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन तो अपने नोट्स में रखे हैं, बना कर दिया, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं दोस्तों इसमें। राइट, तो एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग, पहले ये चैप्टर दोनों ग्रुप में होता था, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकेंड ग्रुप में भी, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अमलगमेशन ऑफ कंपनी। बहुत खास चैप्टर है दोस्तों। और 6 नंबर पे इसमें आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जनरली इंटरनल
रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों इन दोनों चैप्टरों का एक ग्रुपिंग है, इन दोनों को मिला के 15 से 20 नंबर, 15 to 20 मार्क्स आएगा ही आएगा इन दोनों में से। क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ए प्लस ग्रेड टॉपिक के प्रोबेबिलिटी बोलूं तो 100%, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए सेकंड ग्रुप में आईएमपी का टॉपिक है। सेवंथ नंबर पे इसी में बात करें तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, पहले ये कभी कभी आता था लेकिन अब चूंकि चैप्टर रीशेड्यूल हो गया है तो इसका अपना एक इंपॉर्टेंस बन गया है, इसका सवाल आ सकता है 8, 10, 15 तीनों रेंज इसको अपन बोल सकते हैं, 8 नंबर का भी, 10 का भी और 15 का भी। लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब कंपनी का समापन होना, कंपनी के समापन के समय अकाउंटिंग कैसे करना। ऊपर अगर अपन चले तो दोस्तों अमलगमेशन ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो अलग अलग चल रही है अगर वो मिल जाती है तो उनको मिलते समय उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी, कैसे एक वेंडर को बंद करना, कैसे एक बंद होने वाली कंपनी की अकाउंटिंग करना, कैसे एक नई कंपनी बनी उसकी अकाउंटिंग करना, ये तमाम बातें हम लोग यहां पे अमलगमेशन ऑफ द कंपनी में लेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बातचीत होती है दोस्तों कि कंपनी की अगर परिस्थितियां खराब हो गई है, एक कंपनी की स्थिति खराब है तो वो कैसे अपने आप को रिशेड्यूल करेगी, कैसे मीटिंग करेगी, कैसे आपस में अपने सब दोस्तों, अपने सब शेयर होल्डर, अपने डिबेंचर होल्डर, अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाकर कैसे अपने आप को रिशेड्यूल करने की कोशिश करेगी, किस टाइप से कंपनी अपने आप को रिबिल्ड करती है, किस प्रकार से कठिनाइयों को दूर करते हुए वापस से अपने आप को एक कंपनी बनाने की कोशिश करती है, उसे अपन बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कि कंपनी ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में मीटिंग करके अपने आप को कैसे रिशेड्यूल करा, कैसे कंपनी के रूप में बनाया, कैसे अपने आप को बना रही है, उसे अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8 से 10 से 15 नंबर दोस्तों। फिर आता है अपने लिए 8 नंबर पे टॉपिक, यहां पे अगर अपन बातचीत करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फिर अगेन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसीज। बैंकिंग कंपनी की अपन बातचीत करें यहां पे तो बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट यहां पे। तो दोस्तों बैंकिंग और एनबीएफसी की बातचीत करें, बैंकिंग कंपनी और दोस्तों यहां पे एक और आ जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अगर अपन यहां पे चेक करें दोस्तों तो ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा, राइट। तो चेक कर लें, ये रहा आपके लिए पहला रिऑर्गेनाइजेशन में अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन। दोस्तों यहां पे रहा बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये रहा। इसका मतलब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एनबीएफसीज और बैंकिंग, इन दोनों में क्या चीज है, इन दोनों को अपने को कैसे लेना है, ये अपने को यहां पे समझना है। बैंक अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी, बैंक क्या किस टाइप से अकाउंटिंग होती है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना कंफर्म है। क्यों कंफर्म है बता दो, बहुत सीधी सी लाइन है। आप जब सीए बन जाओगे तो आपके लिए सबसे बड़ी ब्रेड बटर वाली चीज क्या है, बैंक ऑडिट करना। अब अगर आपको बैंकिंग की अकाउंटिंग ही नहीं आती तो आप बैंकिंग की ऑडिट कैसे करोगे, बैंक का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। आज दिन तक आपने ये सीखा कि बिल्कुल डिस्काउंटिंग करवाते हैं तो क्लाइंट क्या एंट्री करता है, पर कभी देखा बैंक क्या एंट्री करता होगा, कभी देखा बैंक के फाइनल अकाउंट में बीडीआर के नॉर्म्स क्या होते हैं, कभी देखा कि बैंक सीआरआर कैसे मेंटेन करती है। आज देश में जब भी क्राइसिस आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देता है कि मैंने सीआरआर इतने परसेंट कम कर दिया, एसएलआर में इतने परसेंट कर दिया। तो जैसे ही वो न्यूज आती है और एसएलआर कम हुआ, सीआरआर कम हुआ, मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है तो इकोनॉमिक स्थिति सुधारने के कदम उठते हैं। तमाम तरह की बातें आरबीआई द्वारा घोषित की जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा घोषित की जाती है, एंड दे ऑल आर रोटेड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन आर ग्रांटेड बाय द बैंक टू द क्लाइंट, बैंक अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी, क्या बैंक में गुड्स परचेस, गुड्स सेल वाली एंट्री होती है, परचेस टू कैश, कैश टू सेल्स, नहीं। बैंक इट इज इन सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री,
किस टाइप से बैंकिंग अपनी अकाउंटिंग करेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया कैसे करेंगे। जब आपको इनकी ऑडिट आएगी नेशनलाइज, तो आप उनकी ऑडिट करते समय आपको क्या मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या देखना है, कितना डेप्थ में जाना है, किन किन चीजों के नॉर्म्स क्या है, बैंकिंग की थ्योरी क्या कहती है, बैंकिंग के प्रोफार्मे क्या कहते हैं, बैंकिंग किस रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होती है, बैंकिंग का किस टाइप से एक अकाउंट फॉर होता है और किस टाइप से एक प्रॉफिटेबिलिटी बाहर आती है। बैंक की तरक्की, आज हमारा सबसे सिक्योर पैसा जो रहता है बैंक में रहता है, बैंक की कमाई कैसे, बैंक हमारे डिपॉजिट पर ब्याज देती है, लोन पर ब्याज लेती है, तो किस टाइप से पूरा सिनेरियो बैंक में होगा ये देखना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसी का एक पर्यायवाची वर्ड, जो बैंकिंग जैसा काम करती है बट वो बैंक नहीं होती, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स, राइट, बजाज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करते, दे आर ऑल्सो एंगेज इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बट इन पे आरबीआई के क्या रूल लगते हैं, ये लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं, क्या इनके पास भी इतना ही नॉर्म्स होते हैं जो बैंकिंग के रहते हैं। ऐसी तमाम बातें हमको यहां पे सीखना है, ऐसी तमाम बातों को लेते हुए हमको यहां पे सिलेबस को डिस्कस करना है। तो मेरे दोस्तों, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चैप्टर है और बैंकिंग का, ये हमें मार्केट में लाने में मदद करता है, समझ में आता है कि व्यवहारिक जीवन में बैंकिंग के साथ क्या व्यवहार होता है, बैंकिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है, बैंक का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, बैंक कौन से मैटर की किस टाइप से अकाउंट फॉर करती है, किस टाइप से आगे बात होती है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दोनों में इन दोनों बातों का अपने को विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये रहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मिला के मिनिमम 15 से 20 नंबर के आएंगे, मिनिमम आएंगे ही आएंगे। अब दोस्त, दो और टॉपिक ऐसे जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई हिला ही नहीं सकता। एक ने बोला, सर आप तो हर टॉपिक पे लिख रहे हो, दोस्त टॉपिक ही कम है, 9 टॉपिक टोटल है आपके दोस्तों, उनमें से पता चलेगा कि 9-10 टॉपिकों में से आपके 4 टॉपिक तो छोटे हैं। जो टाइम लगना है बड़े टॉपिकों पे, वो बड़े टॉपिकों पे कितना टाइम लगना है, कौन सा ए ग्रेड टॉपिक है, तो मैं बोलूंगा ए ग्रेड तो यहां सारे ही, कोई भी बी ग्रेड टॉपिक है ही नहीं, सबके ही क्वेश्चन आएंगे। पर दोस्त, लेवल कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, यहां पे जो आपको दिया हुआ लास्ट, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें अगर अपन, तो ये रहा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेक इट आउट। और दोस्तों लास्ट में एक जो नया, ये कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीद लिए, तो जिसने खरीदे वो होल्डिंग कंपनी और जिसके खरीदे वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। दोस्तों अमल कमीशन जैसी बात लग रही है, यहां पर दोनों कंपनी एग्जैक्टली मिल गई थी, ए ने बी को पूरा टेक ओवर करा, या ए ने बी को पूरा टेक ओवर नहीं करा, या ए ने बी के मोर देन 50% शेयर खरीद के उस पर कंट्रोलिंग पावर लिया और बोला तू तेरे नाम से ही चला, तू तेरे काम से ही कर, पर तेरे प्रॉफिट पे अब हमारा इतना 60% शेयर खरीद लिया, तो 60% हमारा कंट्रोल, 60% हमारा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, पर इतना कर लिया कि तेरे पे कंट्रोल हमारा हो जाए, तू हमारी सब्सिडी कंपनी बन जाए। इसको हम एक और सिनोनियम्स भाषा में दोस्तों, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की अकाउंटिंग कहते हैं, इसे हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की अकाउंटिंग करना कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट में नाम जो होता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी भी बोला जाता है, और प्योरली नाम इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब
जब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीदे जाते हैं तो जो खरीदता है उसे होल्डिंग कंपनी और जिसके खरीदे जाते हैं उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, और फिर किस प्रकार हम एक कंबाइंड कंपनी, किस प्रकार हम एक कंसोलिडेटेड कंपनी, किस प्रकार हम एक मिश्रित कंपनी मिलकर बनाते हैं, वो अपने को यहां पर देखना है दोस्तों। पक्की बात। तो ये रहा अपने लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंपनी चेक कर लें दोस्तों, डन है। चले दोस्तों एक लास्ट टॉपिक, जो ये टॉपिक सीए फाइनल से यहां पे आया है दोस्तों, ये दो टॉपिक यहां पे सीए फाइनल से यहां पे डंप किए गए, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये पहले सीए फाइनल में थे और यहां से यहां पे आए। तो अगर मैं पहले बात करूं तो ये दो टॉपिक सीए फाइनल से, इधर ले लेता हूं सीए फाइनल से, इधर आपको डंप किए गए इंटर में, और एक टॉपिक जो अब मैं लिखना चाह रहा हूं ये फर्स्ट ग्रुप से आपको सेकंड ग्रुप में आया। पार्टनरशिप की बात करें, अब पार्टनरशिप में ढेर सारे पॉइंट है, काफी लंबा पार्टनरशिप का पॉइंट जो यहां पे इन्होंने दिया है, पार्टनरशिप का लंबा पॉइंट जो दिया ए बी सी डी ई। पहला सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है दोस्तों। इसके बाद पार्टनरशिप का इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है। एक नया पार्ट जो आपके लिए नया दिमाग में आएगा वो आएगा पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब भी एक पार्टनरशिप फर्म टूटती है तो धीरे धीरे असेट्स को बेचा जाता है और धीरे धीरे ही लाइबिलिटीज को पेमेंट किया जाता, तो पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट इसको बोला जाता है, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। पक्की बात। और दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें अपन यहां पे, इंसॉल्वेंसी की बात करें, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट की बातचीत करें, और दोस्तों चौथे नंबर पे जो अपन बातचीत करेंगे यहां पे, वो यहां पे अपन बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं। एक आएगा सेल टू ए कंपनी, मतलब यूं अपन बोले तो इसको ऐसा वर्ड बोल लेंगे अपन कि सेल टू ए कंपनी, या बोलेंगे कन्वर्शन ऑफ फर्म इनटू द कंपनी, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी, परफेक्ट। और दोस्तों ई नाम की बातचीत करें अपन तो एक और होता है इसमें, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्मों में अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और एक लास्ट है एलएलपी की बातचीत करना दोस्तों, तो ये रही अपने लिए एक एलएलपी की बात। यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, इंक्लूडिंग पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट्स, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी एंड सेल टू ए कंपनी, और एक लास्ट है इश्यू रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों ये थोड़ा सा अपने को यहां पे चले एफ, और अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों अब अगर मैं इनका इंपॉर्टेंस बोलूं तो एक क्वेश्चन तो पार्टनरशिप में से आना तय है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक ही नहीं सकती, ये क्वेश्चन तो 15 से 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मतलब 15 या 20। और दोस्तों ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका भी 15 से 20 नंबर का, मैं इसलिए 15 से 20 बोल रहा हूं, कभी 15 कभी 20 कभी 12 ये देते हैं, पर जनरली 15 से 20। दोस्तों अगर आप पूरे पेपर को देखोगे तो 15 से 20, तो कुल मिला के अगर आपको, अगर मैं चैप्टरों की बात करूं तो टोटल प्रैक्टिकल
न्यूमेरिकल जो आएंगे वो आपको मान के चलो 90 से लेकर 98 मार्क्स, या मैं 90 से लेकर 100 तक का बोल दूं। 90 इसलिए बोल रहा हूं कि कभी एस का प्रकोप बढ़ जाए तो यहां पे, और इधर बात करूं तो एस 16 से लेकर 28 तक ये रहेंगे। टोटल दोनों मिला के पेपर 120 नंबर का आएगा, टोटल दोनों मिला के पेपर 120 नंबर का आएगा, और 120 में से आपको 100 का करना रहेगा, और आपके नंबर किसी भी हालत में 90 प्लस की बात करेंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इतनी सब बातों के साथ में हम बात करें कि हमारा क्या सिलेबस रहेगा, वो हमने आपके साथ में डिस्कस किया। हम किस किस चीज में से पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, मॉड्यूल पूरा कवर्ड है हमारे नोट्स में, स्कैनर पूरा कवर्ड है, आरटीपी पूरे कवर्ड है, यहां पे बुक के क्वेश्चन राइट, बिल्कुल बेसिक टू टॉप गियर, बेसिक टू टॉप गियर बिल्कुल वहां तक के हैं। आपको तमाम तरह के मॉड्यूल, तमाम तरह के स्कैनर, तमाम तरह के आरटीपी, तमाम तरह के बुक जो अलग अलग चलती है, वो तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको अगर इसमें से आपने कर लिए तो मान के चलना एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं देगा। हम लोग जितनी बातें करेंगे वो तमाम वेराइटियों के साथ डिस्कस करेंगे, लॉजिकल बातचीत करेंगे, हम लोगों के उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, उसके बाद हम लोगों के इसमें मॉडरेट क्वेश्चन, और उसके बाद टॉप गियर के क्वेश्चन, टॉप गियर क्वेश्चन, ऐसे आपको तमाम तरह के क्वेश्चनों का लेवल मिलता चलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया मॉड्यूल स्कैनर आरटीपी बुक। सर अपनी पूरे करने के बाद क्या फिर हमें मॉड्यूल अलग से करना है? मैं तो बोलूंगा जरूरत नहीं, पर मैं चाहूंगा कि आप देखो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना चाहिए। सर हमारे करने के बाद स्कैनर मैंने सब दे दिए उसमें, फिर भी आप देखो। सर आरटीपी मैंने दे दिए फिर भी आप देखो, इसका मतलब मेरे नोट्स में मैंने मॉड्यूल स्कैनर आरटीपी बुक वैरायटी तमाम तरह की बात करी है। हम लोग जब भी अपने टॉपिक को चालू करेंगे तो मेरा आपसे कहना रहेगा कि आपको दो कॉपी बनानी है, एक बिल्कुल फेयर जिसमें नोट्स बिल्कुल क्लियर, वो चाहे आप यहां बनाओ चाहे घर जाके बनाओ, और एक कॉपी प्रैक्टिस कॉपी। तो देयर वुड बी टू कॉपी, और बड़ी मोटी कॉपी होना चाहिए, छोटी छोटी नहीं होना चाहिए, पेज साफ सुथरे हो, बिल्कुल क्लियर हो, ताकि अपने पास कामकाज अपना क्लियर चलता रहे। कितनी कॉपियां लगेगी? जितनी आपके ऊपर है, इतने क्वेश्चन कराऊंगा। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है उससे अपने नोट्स में कम से कम 5 गुना क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड्यूल तो है ही, उसके साथ स्कैनर भी, उसके साथ आरटीपी भी, उसके साथ बुक भी है। तो मॉड्यूल को तो मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल जो बेस पेपर होता है वो मॉड्यूल का होता है। आप कोई कितनी बातें कर ले, लेकिन बेस पेपर तो मॉड्यूल का होता है। जिसने मॉड्यूल को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से कर लिया तो उसके बाहर कुछ नहीं जाता है, बट बाकी स्कैनर हुआ, आरटीपी हुआ, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्सेप्चुअल तो मॉड्यूल में के बेस पे ही पेपर बनता है। तो दोस्तों आपको ये करना है, एस करना है, और अपने कोर्स को अच्छी तरीके से करना है। तो हम अगर अभी तक की बातचीत करें कि सर हमारा कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों टाइम तो लगेगा इसमें बहुत ज्यादा। मैं चीजें मैं टाइम भी नहीं बिगाड़ूंगा, जैसे कई जने बहुत ज्यादा टाइम बिगाड़ते हैं, वो नहीं करूंगा, अप टू द मार्क बात होगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिन बच्चों के पास ये चीज आ जाती है कि यार कोई चीज इतनी लंबी खींच दी कि बाद में अपना मन ही नहीं हो रहा, और यार ये तो जबरदस्ती की बातें हो रही है, काम की बात अपनी हो जाए, हाँ काम की बात एक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन अपने को कोई ऐसी बात भी नहीं करना जिससे अपना टाइम को अपन खराब करें और अपना काम बिगड़े। तो हम लोगों को अपने टॉपिकों के साथ में बातचीत करनी है। तो दोस्तों टोटल अगर अभी हम बातचीत करें तो अभी हमारे पास में टोटल न्यूमेरिकल की बात करें तो 2 से लेके 11 तक, मतलब 10 टॉपिक है न्यूमेरिकल में। अब उसमें जो अपन बातचीत करें इंटरनली पार्टनरशिप में, अपने आप में 5 से 6 टॉपिक है, तो यूं कुल मिला के देख लो तो 15 से 16 टॉपिक हो गए, और अगर ब्रॉडली बात करो तो 5 अपने को 10 टॉपिक हो गए। कौन से टॉपिक छोटे हैं राइट, उन पे मैं पीला डार्कन करूंगा, ये छोटे हैं, ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, और एनबीएफसी। ये पीला सिंबल मतलब यहां पे अगर मैं बातचीत करूं आपके लिए, पीला सिंबल ग्राफिटिकल अगर मैं बात करूं तो ये स्मॉल टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है।
अगर मैं बातचीत करूं आपके साथ में कि मैं आपके साथ में ग्रीन टॉपिक की बात करूं तो मॉडरेट टॉपिक है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, ये मॉडरेट टॉपिक है और ये मॉडरेट टॉपिक है, राइट। तो अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं तो मैं यहां पे अगर आपके लिए बात करूं तो मैं बोलूंगा तो ये मॉडरेट टॉपिक है, मतलब ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड टॉपिक जिसको अपन बातचीत कर सकते हैं कि साहब ये तो हमारे लिए बहुत क्लियर है सर आना ही आना है, वो हमारे लिए कौन कौन सा टॉपिक है दोस्त? ये जो मैं जिन पे ऑरेंज कर रहा हूं दोस्तों, ये टॉपिक तो दोस्त ऐसे हैं कि पेपर में मोस्ट टाइम पी है, चार टॉपिक। तो दोस्तों अगर मैं यहां पे बातचीत करूंगा अगर आपके साथ में तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोलूंगा कि बिग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, राइट। कौन सा कितने नंबर का आएगा ये अपन बात करें तो इसी हिसाब समझ जाते हो, ए ग्रेड बी ग्रेड टॉपिक का भी इंपॉर्टेंस समझ जाते हो, ये ए ग्रेड हो गया राइट, ये बी ग्रेड हो गया, और मैं सी ग्रेड तो नहीं बोलना चाहता हूं पर फिर भी सिक्वेंशियली बात करो तो दैट इज योर ग्राफिटिकल प्रेजेंटेशन। तो बोले सर ये आपने अपने को कर दिए ए ग्रेड बी ग्रेड और सी ग्रेड टॉपिक, तो अपन अगर यहां पे बातचीत करें तो ये मैंने ए ग्रेड कर दिया, मैंने बी ग्रेड कर दिया, कौन सा टॉपिक? येलो से जो मैंने करे हैं दोस्तों वो स्मॉल टॉपिक है, राइट। ग्रीन से जो करे हैं वो मॉडरेट है, और दोस्तों जो मैंने ऑरेंज से करे हैं ये इंपॉर्टेंट भी है और बड़े भी टॉपिक है। तो दोस्तों अगर हम रिवाइज करें तो टोटल बातचीत करें एस प्लस इसमें दोनों में मिला के हमें काफी मेहनत तो करनी है पर मार्किंग वाला नंबर होगा। इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आते हैं सर, वो एमसीक्यू 30 मार्क्स वाला कोई प्रावधान नहीं है, सब्जेक्टिव आएंगे पेपर की। सर सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। छोटे से छोटा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 से 5 नंबर का। तो छोटे से छोटा क्वेश्चन 4 से 5 नंबर और बड़े से बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब ना 4-5 से छोटा होगा ना 20 से बड़ा होगा। क्या सर एक डायरेक्ट कोई थ्योरी आती है क्या? कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एस के साथ ही थ्योरेटिकल मामला होता है? कभी रेयरली एक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करके पूछा हो तो एक आध क्वेश्चन देते हैं आखिरी में, आखिरी क्वेश्चन में एक राइट शॉर्ट नोट्स करके कई बार दे देते हैं तो वो अपने को समझना है। हम लोग सब जने समझते हैं कि प्योरली थ्योरी सीए में जनरली प्रैक्टिकल पेपर में नहीं देता है पर फिर भी एक 4 से 5 नंबर की गुंजाइश आपकी बनती है जिसमें एक थ्योरी वो दे दे, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस जो होता है उसके ऊपर थ्योरी बनती है, केस स्टडी बनती है और केस स्टडी पे टॉपिक दिया जाता है। टाइम में दोस्तों जो मैंने ऑरेंज जोन बोला है वो ऑरेंज जोन का मतलब ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगना है, जो मैंने आपको ग्रीन जोन की बात करी उसमें टाइम मॉडरेट लगना है, और जो मैंने आपको येलो जोन की बात करी उसमें आपको टाइम कम लगना है, राइट। अगेन बार बार वही वाली बात, मॉड्यूल को कभी नहीं छोड़ना, मॉड्यूल ग्रंथ है। कोई टीचर कुछ भी बात बोले, कोई टीचर ये बोले, कौन ऐसा है दोस्तों जो अपनी बुराई करेगा? हर दोस्त हर टीचर बोलेगा मैं महान मैं महान, तो कौन बोलेगा कि मैं गलत? किसी को कभी आपने देखा क्या कि उसकी फोटो के नीचे लिखा हो नरगी? हर आदमी लिखता स्वर्गी, क्या मालूम कि स्वर्ग में गए कि नर्ग में गए? ये तो हम सोच रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं कि ये स्वर्ग में गया, राइट। पर हर आदमी स्वर्ग में जाएगा तो नर्क तो खाली हो जाएगा और स्वर्ग में तो लाइन लग जाएगी। दोस्तों ईमानदारी की बातें करो, आप अपने ऊपर सोचो, आप सीए के स्टूडेंट हो, आपने भी एग्जाम दी हुई है, आपको भी अनुभव है कि आपको किस टाइप से काम करना है। आपको मॉड्यूल को तो कभी इग्नोर करना ही नहीं, कोई लाख कुछ भी बोले, मैं बोलूं, कोई बोले, ये बोले, वो बोले, हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मॉड्यूल में कंसेप्चुअली कहीं कोई गड़बड़ हो तो बात अलग है, बट हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब मॉड्यूल तो हमारी आत्मा में बस जाना चाहिए, मॉड्यूल तो हमारे पास आना चाहिए। जब भी पेपर आते हैं सब जने बिल्कुल झंडे गाड़ के बोलते हैं मेरे नोट्स में से आए, मेरे नोट्स में से आए, मेरे नोट्स में से आए। उनसे पूछो कि तुमने क्वेश्चन क्या खुद ने फिगर बनाए कि मॉड्यूल के लिए थे? हम लोग अपने नोट्स में लिखते कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय, इसका मतलब हमने बहुत सारे नोट्सों को कंपाइल्ड करा है और उसमें अगर हमको कोई चीज कॉन्सेप्चुअली ऐसा लगता है कि पॉइंट और जोड़ दें, कभी कोई फिगर एक आध दो चेंज कर दें जिससे एकदम रटन तोता नहीं होता है, तो हम उससे एडिटेड लिख देते हैं, कुछ क्वेश्चन को मर्ज कर देते हैं, इसलिए वी आर रीडिंग हियर कंपाइल्ड एंड एडिटेड। बट दोस्तों मोर और लेस हमारा सोर्स, हमारा ग्रंथ,
हमारा आधार क्या है, ईमानदारी की बात से तो मॉड्यूल है, हमारा ग्रंथ क्या है, स्कैनर है, हमारा ग्रंथ क्या है, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर है, हमारा ग्रंथ क्या है, किताबें हैं जिनमें बेसिक से लेकर टॉप गियर तक चलता है। बेसिकली मॉड्यूल इट इज वेरी गुड, बट मॉड्यूल ऐसा चलता है zigzag, वो कभी पहला क्वेश्चन टफ दे देता है, फिर दूसरा इजी, फिर टफ, फिर कब। तो मॉड्यूल की खास बात यह है कि कंटेंट अच्छा है लेकिन सिक्वेंशियली नहीं होता, zigzag चलता है। किताबों की अच्छी बात होती है कि वो सिक्वेंशियली चलते हैं, हमें इन दोनों का समावेश लेते हुए चलना है कि सिक्वेंस को भी मेंटेन करना और टफ क्वेश्चनों तक भी पहुंचना है और मॉड्यूल को भी बीच बीच में इनकॉर्पोरेट करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम नोट्स बनाते हैं और करते हैं तो हम तमाम किताबों को, तमाम मॉड्यूल को, तमाम स्कैनर को सामने रखते हैं और बीच बीच में इंसर्टिंग, बीच बीच में लगाते चलते हैं, बीच बीच में वेराइटी करते चलते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें किस टाइप से मामला करना है। दोस्तों थोड़ी सी चर्चा हम लोग अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी बातचीत कर सकते हैं कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्या करना है। यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें दोस्तों तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसने पहले कुछ एस फर्स्ट ग्रुप में थे जो इन्होंने वहां से यहां रख दिया और फर्स्ट ग्रुप में एस की क्वांटिटी कम करी है। पहला है एस 4 इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट है, एस 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। चार्जर कर, फिर अपन बातचीत करें तो A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, A9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि एक आदमी को अपनी इनकम कब मानना चाहिए, एक आदमी कब अपनी इनकम को लेगा, एक आदमी किस तरीके से अपनी इनकम को यहाँ पे कंसिडर करेगा, वेन ही शुड रिकॉग्नाइज हिज इनकम। मैं अभी इनको चर्चा में ले रहा हूं, एक एक चीजें जब अपन पढ़ाएंगे तो आपको एक एक एस के बारे में आएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि एक आदमी कब अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करे, एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन कब ये माने कि उसकी वो इनकम हो गई, कब ये माने कि उसने वो इनकम को जनरेट कर लिया है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन A14 ये अपने आप में टॉपिक के साथ ही हो जाएगा। जब हम मेरे दोस्तों टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये अपने आप में उसके साथ ही हो जाएगा, राइट। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, सिगमेंटल रिपोर्टिंग, मुझे अलग अलग सिगमेंट वाइज प्रॉफिट चाहिए, मुझे चाहिए मेरी कॉमर्स विंग्स में कितना प्रॉफिट, साइंस विंग्स में कितना प्रॉफिट, लॉ फील्ड में कितना प्रॉफिट, अलग अलग चाहिए। मुझे चाहिए सिगमेंटल रिपोर्टिंग, मुझे चाहिए अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल, अलग अलग एरिया का प्रॉफिट। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है कि मुझे चाहिए कि भाई अगर मेरे बिजनेस से कोई एसोसिएटेड है, मेरी कोई सिस्टर कंसर्न है, उसके साथ अगर मेरे बिजनेस पे कोई व्यवहार हो रहे तो उसके बारे में मुझे क्या करना है। एज वी ऑल नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग का, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समाप्त करता है, जो एक आइडियल नॉर्म्स को देता है और एक आइडियल अकाउंटिंग नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करके आपके सामने रखता है ताकि डिस्प्यूट दूर हो, ताकि अकाउंट्स कंपेरेबल हो, ताकि अकाउंट्स को हम दूसरे बिजनेस से कंपेयर करके अपना डिसीजन दे पाए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। व्हाट इज द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अकाउंटिंग, कंसिस्टेंटली ऑफ द अकाउंटिंग, अवॉइड डिस्प्यूट, अवॉइड डिफरेंट अल्टरनेटिव, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑप्शन, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन डिफरेंट ऑप्शन को रिड्यूस करके आइडियल, आदर्श, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि साहब आपको इसी तरीके से अपनी अकाउंटिंग को करना होगा और इसी तरीके से आप अपनी अकाउंटिंग को लोगे, ऐसा आपको बोला जाता है। लीज अकाउंटिंग कैसे होती है ये अपने को यहां पे बताया। अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, एक कंपनी में जब आप कोई भी पैसा लगाता है तो इन्वेस्टर जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म होता है, इन्वेस्टर जिसका पर्पज लंबे समय का होता है, वो ईपीएस को देखता है और जिसका उद्देश्य शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो डीपीएस को देखता है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस। जब हम प्रोफार्मे की बातचीत करते हैं दोस्तों, जब हम एफएम पढ़ते हैं तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का चैप्टर होता है और दोस्तों एफएम में जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा अच्छा होता है वो ज्यादा अच्छी बात है फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट। हम कहां से पैसों की व्यवस्था करें ये एफएम में सिखाया जाता है।
तो हम ऐसे ऑप्शन से पैसों की व्यवस्था करेंगे जिस ऑप्शन में हमारा ईपीएस क्या होगा, बड़ा होगा। तो ईपीएस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी मदद करता है, ईपीएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मदद करता है और देखता है कि एक शेयर होल्डर को एक शेयर पर, एक शेयर होल्डर को एक शेयर पर क्या कमाई हुई है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम, आपकी जो इनकम होती है उस पर टैक्सेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाए, जो आपने इनकम कमाई है उस पर किस प्रकार आप टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग करो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपको अपने बिजनेस को कैसे, अगर कोई बिजनेस बंद होता है तो उस दशा में आपको अकाउंटिंग के क्या नॉर्म्स होते हैं, अगर आपने अपनी बिजनेस की विंग्स बंद कर दी है तो किस टाइप से अकाउंटिंग होती है। दोस्तों अभी जो बातचीत चलती है कोरोना के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हुई, कई फैक्ट्रियां बंद होने वाली है, कई फैक्ट्रियों के ऊपर भयंकर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की दशा में गाइडलाइन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में यह बोला गया है। इनटेंजिबल असेट्स मतलब क्या, आपको इनटेंजिबल असेट जो दिखती नहीं है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इनटेंजिबल की किस टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसको रिकॉर्ड करना, कैसे राइट ऑफ करना, कैसे क्या करना, ये तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पड़ेंगे। प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट असेट, जो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था कि हमारी फ्यूचर की लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी इज कन्फर्म बट अमाउंट इज अनसर्टेन, फॉर दैट पर्पज वी सेट असाइड सम अमाउंट फॉर दैट टारगेट पर्पज। फ्यूचर लाइबिलिटी जिसको अपन बोले प्रेजेंट लाइबिलिटी बट अमाउंट इज अनसर्टेन, ऐसी लाइबिलिटी जो मेरे ऊपर फ्यूचर में ऑब्लिगेशन देगी, ऐसी लाइबिलिटी जो मेरे को फ्यूचर में चुकाना है, ऐसी लाइबिलिटी जो कन्फर्म है कि लाइबिलिटी तो है बट अमाउंट अनसर्टेन है, बट इफ यू विल गिव द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ नॉलेज देन वी कैन असर्टन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड हाउ टू अकाउंट फॉर दैट अमाउंट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सहयोगिक दायित्व, ऐसी लाइबिलिटी जो भविष्य में आपके ऊपर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ऐसी लाइबिलिटी जो भविष्य में आपके ऊपर बिजनेस के ऊपर कभी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, उस लाइबिलिटी के ऊपर आप किस टाइप से करोगे, उसे फुटनोट में कैसे दिखाओगे, किस लाइबिलिटी को कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मानोगे, किस लाइबिलिटी को प्रोबेबिलिटी मानोगे, कैसे आप गाइडलाइन करोगे, कौन सी लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट मानना है, कौन सी लाइबिलिटीज को किस कैटेगरी में आके, किस डिग्री ऑफ रिलायंस पे आके हमको कॉन्टिंजेंट मानना है, फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मानेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यह हमें सीखना है। कॉन्टिंजेंट असेट्स को डायरेक्टर की रिपोर्ट में शो किया जाता है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों तमाम तरह की बातें जो हमको अपनी अकाउंटिंग में होती है वो हमको यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो आज का लेक्चर जो हमारा था ये ओरिएंटेशन लेक्चर टाइप का था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस करना था कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एडवांस अकाउंट इन सीए इंटरमीडिएट सेकेंड ग्रुप। सिक्वेंशियली पेपर की बात करूं तो पांचवा नंबर पर प्योरली, सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो ये पहला पेपर होगा, प्योरली 100 मार्क्स का पेपर है, कोई इसके साथ जोड़ीदार नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, 100 मार्क्स प्योरली आपके हैं, 100 में से 90 नंबर की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बशर्ते आपने उतनी मेहनत, उतनी प्रेजेंटेशन, उतनी स्किल के साथ करा है। एज वी ऑल नो दैट सीए इंटरमीडिएट का लेवल जो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है वो वर्किंग लेवल का नॉलेज डिसाइड किया है, आपको उस वर्किंग लेवल पर आना है, आपको वर्किंग काम करने लायक अपने आप को बनाना है, इन चैप्टरों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझना है, इन चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम अप्लाई करेंगे वो सीखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रैक्टिकल यूटिलिटी सीखना है और फिर हम लोग अपना काम करेंगे, राइट। तो मेरे दोस्तों एस का थोड़ा सा भंडार इसमें दिया गया है, 100 नंबर का पेपर 120 नंबर का देगा, 100 का करना रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल दोनों आएंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड न्यू देखो तो 10 टॉपिक है, न्यू देखो तो 15 टॉपिक है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ही अंदर 5 और टॉपिक है। तो दोस्तों समय तो लगेगा, ए ग्रेड टॉपिक कौन से, बी ग्रेड टॉपिक कौन से, सी ग्रेड टॉपिक कौन से, ये रहे आपके सामने। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पहला टॉपिक था, मैंने समझाया कि कंपनी जब भी अपने एम्प्लॉयों को ऑफर करेगी शेयर्स खरीदने के लिए तो एक टाइम पीरियड देगी कि इतने साल नौकरी करो, फिर उनकी शेयर्स अलॉटेड होंगे, बाजार से सस्ते में होंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी।
बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में होगा कि कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक करेगी तो किन नॉर्म्स को फॉलो करेगी, लॉ का किन नियमों को पालन किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी यह सीखेंगे। कंपनी जब रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स करेगी तो वही कानून संविधान लॉ का कैसे फॉलोअप होगा और फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, मतलब इक्विटी शेयर जिनके डिफरेंट राइट होते हैं, अलग अलग तरह के इक्विटी शेयर्स अलग अलग तरह के राइट होते हैं, उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उनकी अकाउंटिंग करेंगे, ये हमको सीखना है। अमलगमेशन ऑफ द कंपनी, मतलब दो कंपनियां जब आपस में मिल जाती है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैसे लेजर बनेंगे, कैसे बैलेंस शीट बनेगी, और वेंडर कंपनी जो बंद हो जाती है उसकी बुक्स को कैसे क्लोज करेंगे, ये सीखना है। दो मिलके एक नहीं बन गई, एक ने एक को खरीद लिया, इन तमाम चीजों में बंद होने वाली, बनने वाली, खरीदने वाली की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, लेजर कैसे बनेंगे, तमाम बातें। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दोस्तों हमारी बातें ये रहेगी कि कंपनी की जब परिस्थितियां खराब होती है, कंपनी की जब स्थितियां खराब होती है तो कंपनी कैसे अपने आप को रिबिल्ड करेगी, कंपनी कैसे अपने आप को उत्थान करेगी, कंपनी कैसे अपने आप को रीशेड्यूल करके आगे बढ़ाएगी, इसे अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब क्या, एक कंपनी का जब समापन हो जाता है, कंपनी जब बंद हो जाती है तो बंद होते समय उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, किस टाइप से नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, कैसे असेट्स को बेचेंगे, कैसे लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, कैसे शेयर होल्डर तक पैसा जाएगा, पैसा कम पड़ गया तो क्या करना, पैसा ज्यादा हुआ तो क्या करना, हाउ टू लिक्विडेट द कंपनी, व्हाट आर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, हाउ टू मेक द अकाउंटिंग इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, तमाम बातों के साथ चर्चा इस लिक्विडेशन अर्थात कंपनी के समापन वाले चैप्टर में होगी। एक बैंक अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी, बैंक अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाएगी, बैंक बिल को डिस्काउंटिंग कैसे करेगी, बैंक बीडीआर का प्रोविजन कैसे बनाएगी, बैंक के नॉर्म्स में सीएसआर अपन बात करें, एसएलआर रेशो क्या होगा, सीआरआर रेशो क्या होगा, कैसे बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेंसी को मेंटेन करेगी ताकि बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, तमाम बातें इस बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग के अकाउंटिंग को सीखते हुए, बैंकिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बैंकिंग के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम भविष्य में बैंक की ऑडिट करते समय हमें पूरे नॉलेज के साथ बातें मालूम हो। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बजाज फाइनेंस कंपनी, इंडिया बोल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसी संस्थाएं आपकी अकाउंटिंग कैसे करेगी, कभी आप उनमें जॉब करते हो या उनकी ऑडिट करते हो तो आपको उनके नॉर्म्स मालूम होना चाहिए, आरबीआई के क्या नॉर्म्स है, आरबीआई किस टाइप से उनका काम करेगी और कैसे वो लोग अपनी अकाउंट फॉर करके अपना फाइनल अकाउंट बना के और कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग दोस्तों होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की बातों में भी बात करते हैं। इस होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में जब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीद लिए जाते हैं तो जो खरीदता उसे होल्डिंग कंपनी और जिसके खरीदे जाते हैं उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। हम कैसे उस सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके, हम कैसे उस सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके कैसे एक कंसोलिडेटेड होल ऑफ द चीजों को शो करेंगे, ये हमें यहां पर सीखना पड़ेगा। हाउ टू मेक द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द सब्सिडी कंपनी बैलेंस शीट इन अवर कंपनी बैलेंस शीट, कैसे उस सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट को मैं अपनी कंपनी के साथ मर्ज करूं, कैसे उस सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट को मैंने अपने आप प्रेजेंट करना है, कैसे मैं बताऊं कि मैंने 60% शेयर खरीदे तो 40 किसी और के पास है, मैं 60% का मालिक हूं तो 40% माइनॉरिटी है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट द सब्सिडी कंपनी बैलेंस शीट इन द होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट एंड हाउ टू शो दीज आइटम, हाउ टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट एज ए होल, दिस इज नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी भाषा में दोनों कंपनी की मिक्स बैलेंस शीट। दोस्तों पार्टनरशिप तो अपने आप में मस्त है, टाइम भी लगता है पर मजा भी आता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब पार्टनरों में आपस में झगड़े हो जाए, मतभेद हो जाए, तो कैसे एक पार्टनरशिप फर्म टूटती है, कैसे एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की अकाउंटिंग होती है। एक पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग को कैसे वाइंड अप किया जाएगा, एक पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग को कैसे हम करेंगे ताकि उसकी अकाउंटिंग को हम ये बता पाए कि ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब तीन पार्टनर और एक पार्टनर दिवालिया हो जाए तो किस टाइप से उस एक पार्टनर के दिवालियापन की अपने को अकाउंटिंग करनी है।
पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का मतलब होता है जब टुकड़े टुकड़े में वसूली और टुकड़े टुकड़े में पेमेंट। इसका मतलब जब एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो कैसे वो अपनी असेट्स को टुकड़े टुकड़े में बेचती है, कैसे वो अपनी लायबिलिटीज को टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करते हैं, ये अपने को यहां पर सीखना है। तो दोस्तों पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी कैसे अपने आप को टुकड़े टुकड़े में, एक पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तो कैसे अपनी असेट्स को टुकड़े टुकड़े में बेचती है, कैसे उसका पैसा आता है और कैसे वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। तो पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का मतलब है हाउ टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, हाउ टू सेल द असेट्स और हाउ टू रियलाइज द अमाउंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पेमेंट टू द लायबिलिटीज, कैसे असेट्स बिकी, कितना पैसा आया, पहले किसको पेमेंट देना, फिर किसको देना, फिर किसको देना, फिर किसको देना है, पार्टनरशिप फर्म का टूटना, पैसा आना, पैसा बांटना, ये तमाम बातें। सेल टू ए कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्शन, एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंपनी के रूप में कन्वर्ट कैसे करती है, कैसे एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड बनाया, कैसे एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने आप को कंपनी बनाया, बनाया लीगली तौर पे लेकिन उसकी अकाउंटिंग कैसे करी, कैसे पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग बंद होगी, एक नई कंपनी बनेगी, तमाम बातें। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो फर्म चल रही है ABCD, दोनों मिल गई तो इसको बोलते हैं ABCD, ABCD और दोनों मिल गई तो ABCD। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म जो अलग अलग चल रही है अगर वो आपस में मिल जाती है तो उसे अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। LLP की बात करें दोस्तों तो LLP का मतलब होता है कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किस टाइप से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी अपने को यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट का नाम ही एडवांस अकाउंटिंग है, इसका मतलब इसमें रूटीन अकाउंटिंग आपको नहीं मिलेगी, कुछ अकाउंटिंग के ऐसे टाइप्स आपको मिलेंगे जो शायद आप पहली बार देखोगे, जो शायद आपके दिमाग में पहली बार चीजें आएगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे बैंकिंग। आपने आज दिन तक कभी भी बैंक की अकाउंटिंग नहीं करी, आपने आज दिन तक कभी भी बैंक की अकाउंटिंग को कभी भी सीखा नहीं, आपने कभी भी NBFC की अकाउंटिंग को नहीं सीखा, आपने कभी ये नहीं सीखा कि दो कंपनियां आपस में मर्ज होती है तो कैसे होता है, आपने कभी ये नहीं देखा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया तो जो खरीदने वाली कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी और जिसको खरीदा है उसको सब्सिडी कंपनी कहते हैं। तो तमाम तरीके ऐसी अकाउंटिंग आपको इसमें मिलेगी दोस्तों जो आपको अपने आप में ये महसूस कराएगी कि आप बड़े हो चुके हो, आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। और दोस्तों एडवांस अकाउंटिंग पढ़ के आपको ये भी एक बात बोल दूं कि CA फाइनल में अकाउंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें नहीं है, कुछ लिमिटेड टॉपिक है। उन्होंने जितनी अकाउंटिंग का भरमार भरना था वो फाउंडेशन Inter 1 Inter 2 में भर दिया है, मतलब अकाउंटिंग के तमाम नॉर्म्स उन्होंने CA फाउंडेशन में दे दिए, Inter 1 में दे दिए, Inter 2 में दे दिए, फाइनल में जाके तो गाइडेंस नोट पे आ जाते हैं, IFRS वगैरह की बातों पे आते हैं। और न्यूमेरिकल तौर पे अगर CA फाइनल में बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक दिए हुए हैं, लिमिटेड स्कोप दिया हुआ है, वहां पे गाइडेंस नोट, ACE और IFRS का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल पार्ट का ज्यादा होता है। तो लेवल भी ऐसे ही बनाए गए उन्होंने, वहां पे कंसल्टेंट के रूप में आपसे बात करेंगे, यहाँ पे वर्किंग की बात करेंगे, यहाँ पे आपसे काम करवाएंगे, काम करने लायक बनवाएंगे कि आप काम करने लायक हो कि नहीं, या आपसे बकायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाएंगे, या बकायदा आपको मर्जिंग की एंट्रियां सिखाएंगे और फिर फाइनल में CA फाइनल में आपसे राय देने की बात करवाएंगे। तो जितनी मेहनत करनी है दोस्तों अपने को यही मेहनत करनी है ताकि हम काम करने वाले लेवल को बना पाए, बाद में जाके हम कंसल्टेंट बनेंगे, बट पहले हमें काम करने वाली बात तो हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे आपको बहु जैसी संज्ञा दी गई है कि आप काम करो घर का और घर के काम करके अपने आप को परफेक्ट करो, फिर जब आप CA फाइनल में जाओ तो आपको सासू माँ की उपाधि दी जाएगी और आपको कंट्रोल करना आएगा, आपको राय देना आएगा। तो अभी तो आपको इस लेवल पे चलना है कि आप काम कैसे कर पाओ, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओ, किस टाइप से अपने आप को डेवलप कर पाओ, कि प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन्वॉल्व इन द CA इंटरमीडिएट इज द वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज, अर्थात प्रेजेंटेशन, अर्थात वर्किंग नोट, ये बहुत कीमती है। CA इंटरमीडिएट में फेल होने वाले बच्चों को मैं बताऊं कि उनका मेजर कारण जो फेल होने का होता है वो होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करना, प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं देना। आपको बता दूं CA के पेपर में लिखा रहता है वर्किंग नोट शुड पार्ट ऑफ योर आंसर, अर्थात वर्किंग नोट आपके आंसर का हिस्सा माना जाएगा। गिव एप्रोप्रिएट एजम्पशन,
आपको जहां भी जरूरत लगे आप अपने अप्रोप्रिएट एजम्पशन दो, आपको जहां भी लगे वहां नोटिंग करो, आपको जहां भी लगे वो आप अपना लेवल वर्किंग का बनाते चलो, मतलब गिव प्रॉपर नोट्स, गिव प्रॉपर वर्किंग नोट विथ योर सॉल्यूशन। सो प्लीज डोंट बी द फास्टेस्ट कि हम उसको शॉर्ट में कर दें, एमसीक्यू टाइप में कर दें, ये तो आता ही होगा सर उसको, नहीं। एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट इन योर कॉपी विथ प्रॉपर नोट्स, विथ प्रॉपर वर्किंग नोट, ताकि उसको एग्जामिनर को मालूम पड़े कि आप ये फिगर कैसे लेकर आए हो, हाउ टू अराइव दैट फिगर। ये सब छोटी छोटी बातें होगी दोस्तों जो हम लोग पढ़ते समय बात करेंगे। मेरा एश्योरेंस है आपको तमाम चैप्टरों पे आपका कमांड करवाने के साथ साथ आपको 90+ नंबर की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, पर मेहनत आपको और मुझे दोनों को साथ साथ में मिलकर करनी पड़ेगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हम लोग अगले लेक्चर से अपने टॉपिक को चालू कर देंगे। तो ये पहला लेक्चर था दोस्तों जो मैंने ओरिएंटेशन के रूप में आपको कौन सा टॉपिक है, क्या सिलेबस है, कितने नंबर का पेपर है, कितने का करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, ऐसे तमाम छोटी छोटी बातों के साथ आपको मैंने एडवांस अकाउंट से परिचय कराया है सीए इंटरमीडिएट के। उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर से हम लोग अपने न्यूमेरिकल, अपने टॉपिक, अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर आ जाएंगे, राइट दोस्तों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे अपने टॉपिकों के साथ में। थैंक यू।